तो यारो कैसे हो। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो शहजादा ने अभी तक कमा लिए 33.9 करोड़, सेल्फी ने कमाया 16.35 करोड़ और पठान ने इंडिया में कमा लिए 532.08 करोड़। वर्ल्ड वाइड इसने कमाया 1032 करोड़। और लास्ट में हम बात करते हैं आंटमैन एंड क्वांटमेनिया की, तो इसने इंडिया में अब तक कमा लिए 54.54 करोड़। तो अब हम बात करेंगे हेरा फेरी 3 के बारे में। तो यार इस मूवी में अभी से ही हेरा फेरी होनी स्टार्ट हो गई है। कुछ दिन पहले एक लीक फोटो आया था जिसमें दिख रहा था कि इस मूवी का नाम हेरा फेरी 4 होने वाला है, और अभी एक और लीक फोटो आया जिसमें बताया जा रहा है कि इसका नाम हेरा फेरी 3 होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं शी वेब सीरीज़ की, जो कि नेटफ्लिक्स पर आई थी। तो इसके थर्ड सीजन पर काम स्टार्ट हो चुका है और ये सीरीज़ प्रोडक्शन में चले जाएगी नेक्स्ट ईयर। तो अब अगली खबर आ रही है पठान मूवी के डायरेक्टर से की ओर से। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो प्यार और तारीफें हमें मिल रही है ऑडियंस से, वो एक हिस्टोरिक मोमेंट है और ये सब हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से देख सकते हैं कि ऑडियंस को ये मूवी कितनी पसंद आई। तो अगली खबर आ रही है रणवीर सिंह सर के बारे में। तो उन्हें स्पॉट किया गया शूटिंग करते हुए कश्मीर के अंदर फॉर द फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अब हम बात करेंगे तू झूठी में मक्कार के एडवांस बुकिंग की। तो इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब तक इसने 7500 टिकट्स बेच दी हैं। तो एक और खबर पठान मूवी की ओर से आ रही है। तो कल बाहुबली 2 को पठान ने हिंदी बॉक्स ऑफिस में बीट कर दिया था। तो जो बाहुबली 2 के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने टीम पठान को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टाटा बाय।